नमस्कार, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 21 जून को मेरठ के एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ उसका शोर पूरे देश में मच गया है, क्योंकि शंकराचार्य ने ऐसा बोल दिया जो सत्ता वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पार्टी के लिए और संगठन के लिए शंकराचार्य तक से बहस करने में परहेज नहीं किया गया। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद आरएसएस और भाजपा के नेता उखड़ गए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने से क्या होगा, जब भाजपा की ही दोहरी नीति है। एक तरफ तो पार्टीज का विरोध करती है तो दूसरी तरफ संघ नेता रामलाल की बेटी की शादी में तमाम भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचते हैं, जबकि उनकी बेटी की शादी मुस्लिम युवक से हुई थी। इस पर महानगर के संघ चालक विनोद भारती विरोध करते हुए कहते हैं कि रामलाल तो अविवाहित हैं, उनकी भतीजी की शादी हुई थी, इसलिए ऐसा बोलना गलत है। शंकराचार्य ने इस बात को लेकर उन्हें आड़े हाथों ले लिया, कहा कि संघियों का यही रवैया है, अब ये सिखाएंगे कि हमें क्या बोलना है, भतीजी भी बेटी ही होती है तो क्या गलत कहा। अब कुछ देर बाद मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंच जाते हैं। विवाद का मुद्दा उन्हें पता लगता है तो वह इस मुद्दे पर शंकराचार्य से बात करना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि आप भी संघ से हैं क्या, मुझे आपसे नहीं मिलना है। इस पर सांसद भड़क जाते हैं और शंकराचार्य पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि बताओ राष्ट्र के लिए क्या किया है, हम आपको सन्यासी नहीं मानते हैं। इस बीच शंकराचार्य के सेवक सांसद को खींचकर बाहर कर देते हैं। इसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि आरएसएस के लोग खुद को धर्म आचार्य से भी बड़ा धर्म आचार्य मान रहे हैं, हजारों साल पुरानी परंपरा पर हावी होना चाहते हैं, पैदा हुए 100 साल नहीं हुए और 2500 पुरानी शंकर परंपरा के शंकराचार्य से ये पूछते हैं कि राष्ट्र और संस्कृति के लिए क्या किया। आरएसएस धर्म सत्ता पर हावी होना चाहता है। मेरठ की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि साल 2019 में रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी फैजान करीम के साथ हुई थी। वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता लखनऊ पहुंचे थे।